नमस्कार आम स्वर सहित मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइंस रो छोट निवेशकों बड़ उपहार आरबीआई रो दुई योजन शुभारंभ कले मोदी रिटेल डायरेक्ट स्कीम रो एवं एककृत लोकपाल रो योजना करू सहज सरल सुरक्षित हेब निवेश कविता मेहर हत्याकांड मामला कलाहांडी एसपी को नोटिस कला एनसीपीसीआर तीन दिन अवधि में प्राथमिक रिपोर्ट देवा नोटिस बलांगीर एसपी समय गड़ा ना परे कलाहांडी एसपी को नोटिस ममिता मेहर हत्या मामला कांग्रेस कहला सफल हो छघंटिया हड़ताल सेपटे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी सचिवालय को जवा समय कांग्रेस कर्मी को उठाई नेला पुलिस पुलिस बारे आंध्र दादागिरी लोकों प्रलोभित करने को लगला क्यालेर गंजाम सीमांत बुड़खोला गांव अख्तियार चक्रांत सेपटे गांव में ओडिशा सरकारी बाबू का पाद पड़ु अभोग आने ग्रामवासी ओकाक्सीओं व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर टंका लूट मामला तीनोटी अकाउंट को जाई ठके टंका हैकर को बैंक अकाउंट फ्रीज करने को क्राइम ब्रांच रो चिट्ठी अभियुक्त को धरवा को बांगालोर जीव क्राइम ब्रांच साइबर पुलिस राउरकेला सरकारी डाक्तखाना अवहेला ओ पॉजिटिव बदल में भी पॉजिटिव रक्त दिजार युवती मृत्यु अभियोग ठीक समय नर्स और डाक्तर न आसवर जीवन जाता कहले एवं बरगड़ गोविंद कुमार हाजत मृत्यु मामला पत्नी रूबी कुमार को सांघातिक अभियोग बरगड़ एसपी राहुल जैन जांचे लाच पैसा चाकरी पिला पाठपढ़ार प्रलोभन केस न लड़ा रूबी को प्रकारंते देते धमक बरगड़ गस्त पूर्व मुख्यमंत्री को गोविंद पत्नी रूबी आकुल नवेदन बुलेटिन आरंभ करिबा छोटो निवेशकों को बड़ उपहार आरबीआई रो दुई योजनार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेबे आरबीआई रो रिटेल डायरेक्ट स्कीम एककृत लोकपाल रो शुभारंभ होइछे यादारा सहज हेब डिजिटल प्लाटफर्म किणाबिका सरल हेब सरकारी सिक्युरिटी किणवा बिकिबा आरबीआई रो दुई उपभोक्ता केन्द्रिक योजनार शुभारंभ होइछे यादारा निवेशक लाभ सह देशर अर्थनीतिर विकास रे योगदान करिबे निवेशक माने पोर्टाल रे निज अभियोग करिपारिबे आठ आंचलिक भाषा रे अभियोग पाइ विकल्प रहइब निवेशर परिसीमा बढ़िबो सहज और सुरक्षित हेब पूर्वरु देशर बैंकिंग सिस्टम सह खेल खेला जाउतला किंतु एबे घरे बसी सुरक्षित निवेशर सुजोग पाइबे समस्ते सेपटे देशर अनलाइन कारबार रे 19% अभिवृद्धि घटिछे अवसर रे आरबीआई रो पूरा टीम को शुभेच्छा जणाइछन्ते प्रधानमंत्री कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री को आरबीआई गवर्नर और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित रहिथिले अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। ममिता मेहर हत्याकांड मामला कलाहांडी एसपी को नोटिस कला एनसीपीसीआर तीन दिन अवधि में प्राथमिक रिपोर्ट देवा नोटिस कला एनसीपीसीआर पूर्व
बलांगीर एसपी को नोटिस करी रिपोर्ट मागिबा सहित हाजर हेबा को नोटिस करथिला एनसीबीसीआर मामलाटी कोलाहांडी जिले रे होइतिपारु रिपोर्ट दे पारिबे नाही बोली जवाब देथिले एसपी सौम्य गड़ाई घटना तांको जिले रे होइ नथिबारु उत्तर देबा को असमर्थ प्रकाश करथिले बलांगीर एसपी तेणु कोलाहांडी पुलिस को नोटिस करिछंती एनसीबीसीआर। अधिक आलोचना करिबा नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित फोन लाइन टुके जोड़े छथि। गगन, ममिता मेहर हत्याकांड मामला रे कोलाहांडी एसपी को एनसीपीसीआर नोटिस करछि, कोन अपडेट आसुछि बाबद रे? देखो निविदा, निश्चित भाव पूर्व आपन जानते बलांगीर एसपी को नोटिस होता बलांगीर पुलिस को समन जारी कराइला जे सेटारे आसिकी स्टेटस रिपोर्ट कौन मेंटेन करछंती किभ भाव जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थिला ताको केबडी भाबे मेंटेन कराइछि एवं जो पॉक्सो एक्ट रहिछि जोटा कि ममिता मेहर खुलासा करथिले जे से ऑलरेडी से स्कूल रे एवं से कॉलेज रे केबडी ढंग रे सेक्सुअल हैरेसमेंट केस आसीथि सामना को जहार गोटे प्रतिफल देखियो मिलला ताको मृत्यु मुखरे पडियो पडला तनु ई जो कंप्लेन आसथिला एनसीपीसीआर को हातरे तनु सेही दस्तावेज आधार रे समान सीधा सडक बलांगीर एसपी को प्रथमे नोटिस करथिले किंतु जहां बलांगीर पुलिस पाखरु ताको पाखु को रिप्लाई आसला जे केस सी सीधा सडक कोलाहांडी अधीन राशि तनु कोलाहांडी पुलिस ही यार जवाब रखे तेणु से ही आधार में बर्तमान से मैंने गत काली ही से सीधा सड़क कोलाहांडी जो सुपरिटेंडेंट पुलिस रही एसपी रही नोटिस करेणु तीन दिन अपेक्षा रखिंट तीन दिन भितर जी प्राइमरी रिपोर्ट आसूसी निश्चित भाव ता परवर्त पर्याय से पुणी एक्शन ने जहां जो प्रियों कानून को रही से प्रतिक्रिया जहां रखिंट सीधा सड़क से कहते जदि जवाब न आसी और जदि आम संतुष्टि व्यक्त न करूँ सीधा सड़क पुणी थे आम समन करू कोलाहांडी एसपी को से फिजिकल उपस्थित रहिबे एवं किभली भाबे एफआईआर कॉपी ग्रहण कराइथिला सेठारे पॉक्सो एक्ट को मेंटेन करा जायछि कि नाही एवं 164 सीआरपी विक्टिम एक्ट जो रहिछि सेठारे स्टेटमेंट किभली भाबे ग्रहण कराइछि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो रहिथिला तांको तांको सविशेष तथ्य दिया जायछि कि नाही एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन निया जायछि तनु सविशेष तथ्य पै निश्चित भाबे से माने परवर्ती पर्याय रे जदि प्राइमरी रिपोर्ट रे संतुष्टि व्यक्त न करछन्ति तनु पूरी थरे से माने समन करिवे एवं दिल्ली डाकी के पत्रावतरा करिवे जा प्रियंका कानून को सूचना देछन्ति विद्या। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नुआ दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जी आमको सूचना दौले कोलाहांडी एसपी को तीन दिन समय बका जा बलांगीर एसपी समय गणना पर नोटिस तेरे ममिता मेहर हत्याकांड मामलें जहां सूचना आसुच्छी कोलाहांडी एसपी को नोटिस करी एनसीपीसीआर। सफल होइछि 6 घंटिया हड़ताल, कांग्रेस कर्मी हाईकोर्ट को राय को मानी शांतिपूर्ण भाव हड़ताल करिसथि बोली कहिसथि पीसीसी कार्यकारी सभापति चिरंजीव विश्वाल। ले संग्राम एठि शेष हेबो नाही, ए लड़ई आगामी दिन में जारी रहिबो। ममिता मेहर को परिवार को जे पर्यंत न्याय मिलनी एवं गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जे पर्यंत इस्तफा देना कांग्रेस चुप पसिबो नाही बोली कहिसथि चिरंजीव विश्वाल। दरकार पड़िले दल हाईकोर्ट को द्वारस्थ हेबो बोली से कहिसथि। कांग्रेस दल तरफ रु जो शांतिपूर्ण बंद डकरा दिया जाए थला ता सफल होइछि सेतिपई राज्यवासी की मु धन्यवाद जनाउछि और विशेष करी हाईकोर्ट मान्यवर हाईकोर्ट का राय को मानिकरी कांग्रेस कर्मी माने जो भावे शांतिपूर्ण भावे बंद पालन कले समस्त कांग्रेस कर्मी भाई मानू भी मानू कृतज्ञता जनावि आमर संग्राम ये बंद हम ना लड़ई आगामी दिन में जारी र ममिता मेहर परिवार को जेपर्यंत न्याय मिलना कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मंत्री जेपर्यंत इस्तफा देना आमर संग्राम जारी दरकार पड़िले आमे कांग्रेस दल उच्च न्यायालय द्वारस्थ हेब न्याय पाई। गोटे 6 घंटिया हड़ताल बेले पुलिस और छात्र कांग्रेस कर्मी को मध्य धस्ताधस्ती सचिवालय को जवा समय छात्र कांग्रेस कर्मी को
उठाइ नेछि पुलिस। ममिता मेहर हत्या मामलें मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा संपृक्ति नहीं सचिवालय कर्मचारी बुझाइबा को जाउथिला छात्र कांग्रेस तबे चॉकलेट दे शांतिपूर्ण भाव बुझाइबा को जिबा समय रे अटकाइथिला पुलिस फलरे पुलिस और छात्र कांग्रेस कर्मी मध्यरे धस्ता धस्ती परिस्थिति सृष्टि होइथिला। छात्र कांग्रेस कर्मी को उठाई नेछि पुलिस। ममिता मेहर हत्याकांड मामला को नहीं आज 6 घंटिया हड़ताल। राज्यर विभिन्न स्थान में कांग्रेस कर्मी हड़ताल करते तेज कटक भी दल पक्ष हड़ताल करा तेज बंद विशेष प्रभाव देखा मिल ना। शांतिपूर्ण बंद पालन सहर विभिन्न स्थान में पुलिस मुतयन होते विभिन्न भिन्न भिन्न शैली रास्त जा लोक चॉकलेट दे बंद को समर्थन करने निवेदन करते कांग्रेस कर्मी और नेता पुलिस बाबू मैंने पीसीआर भ्यान लगे जो भाव में प्रचार कले से आम संपूर्ण भाव लोक जनसाधारण जानते कौली भाव में सरकार डरिक अच्छा सरकार डरी कि हाथ में नवीन पट्टनायक हाथ में किसी ना सी निजे डिफंग हो गि ना तो ओडिया बुझुना ना सेक्रेटेरिएट आसुना कौन जिन जाना केवल सरकार बचाला प्रायोरीटी सरकार बचाप से सबकि बर्तन करा राजी अच्छा जो मैंने हाइकोर्ट अपिल करते ठीक भाव में हाइकोर्ट को अवगत करना कारण से जाना दरकार कांग्रेस आभिमुख्य कांग्रेस परंपरा हूँ अहिंसा कांग्रेस अहिंसार जन्म नहीं तेणु आज आम शांतिपूर्ण भाव हड़ताल कर ममिता मेहर मर्डर मामलें मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रा बहिष्कार दाबी जोर धरी मंत्री विरोध में राज्य सरकार कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करनथिबारु प्रतिवाद करी प्रदेश कांग्रेस पक्ष राज्यव्यापी हड़ताल करा देछि। जगत सिंहपुर में भी कांग्रेस पक्ष हड़ताल करा देछि। बहु कांग्रेस कर्मी रास्तारे शांतिपूर्ण भाव में पिकेटिंग कराजिबा सहित टायर चली प्रतिवाद करथिले। रास्तारे गाड़ी मोटर चलाचल स्वाभाविक रहिथिला। बंद पालन केवल ममिता मेहर पर नुहे ये ओडिशार अगणित महिला मानंकु नारी मानंकु सुरक्षा देवाई जो भली भाव बारंबार तागिद कलापर मध्य मुख्यमंत्री तांका दागी मंत्री मानंकु बारंबार सुरक्षा देउछन्ति आमे मुख्यमंत्री इस्तफा दाबी करुछु एवं तार प्रतिवाद रे आज कांग्रेस दल राजरास्ता को आसी दरकार पड़े आगामी दिन में आंदोलन पूरा जोरदार हे। आज जो अनुरोध आम कर जनसाधारण को आज आम अनुरोध रक्षा कर जगत सिंहपुर जनसाधारण जगत सिंहपुर वणिक संघ जगत सिंहपुर छात्र एवं जो माने अच्छा बुद्धिजीवी समस्त सहयोग में आज बंद डाकड़ा सफल हो आशा कर राज्य सरकार तुरंत ये दागी मंत्री को बहिष्कार कर गिरफ्त करेंगे ता ना ओडिशा जो 4.5 कोटी लोक ये लोके बरदास्त करेंगे ना आगामी दिन में आंदोलन आहरी तीव्रतर हो। सेपटे अनुगुल भी कांग्रेस पक्ष हड़ताल कर जिला कांग्रेस पक्ष जिलापाल कार्यालय सम्मुख में प्रतिवाद करा पूर्वर विभिन्न स्लोगान दे कांग्रेस कार्यकर्ता माने शंकर सिनेमा रोड स्थित कांग्रेस भवन स्लोगान दे जिलापाल कार्यालय सम्मुख में पहुंचे सेठे उभय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा कुश पुतलिका दाह करते। ममिता मेहर हत्याकांड में संपुक्त कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र अच्छा होम मिनिस्टर अच्छा से अच्छा बहिष्कार दाबी गिरफ दाबी से आम प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ जो आंदोलन होता आज अनुगुल भी ता सक्सेस लोक जनसाधारण को समर्थन देते आम कांग्रेस मन बाहरी पदयात्रा कर अनुगुल सहर परिक्रमा करूँ और कलेक्टर विभाग में नवीन पट्टनायक कुशलता है और कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र कुशलता है जो कलंकित अध्याय मध्य दिव्यशंकर मिश्र ना लिखाई से निजे आज मुख्यमंत्री पाखरे बसी ओडिशावासी को जनइले जे कलंकितर मंत्री आमर होचंति निजर ममिता मेहर हत्याकांड को नहीं कांग्रेस तरफ आज सारा राज्य में हड़ताल। ढेंकनाल जिला कांग्रेस पक्ष हड़ताल कांग्रेस कर्मी मैंने शांतिपूर्ण भाव बाजी चौक ठार् जिलापाल ऑफिस पर्यंत एक शोभायात्रा आसी जिलापाल ऑफिस सम्मुख में ममिता को न्याय देवास मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा को तुरंत बहिष्कार करने नाराबाजी कर आगक जारी रही खबर किंतु बीजेपी प्रेस मीट आसुची सदा सक नहीं चलु एक मजाक रे परिणत होइछि इट्स अ जोक स्पष्ट भाव रे एटा हमें कहिया पे चाहुचु जे आज कांग्रेस रे हड़ताल इज नथिंग बट अ जोक। आज जेते बले कोविड रो महामारी रो परिस्थिति धीरे धीरे कमुची
एवं ओडिशार जनसाधारण तांकर कार्य पाई घरु बाहरु एवं तांकर जीवन जीविका पाई चेष्टा करुचंती सेतेबेले एई प्रकार एक हड़ताल डाकिबाटा निष्ठुरता इट्स क्रुएल्टी एवं यहाँ आम गत काली घोर निंदा करथिलु आज घोर निंदा करुछु जो पीड़िता बापा अछंती आपण माने समस्त देखिथिबे जोड़ हस्तरे से निवेदन करथिले समस्त को कि दया करी तांकर झियोर एई प्रसंग को आउ राजनीतिकरण न कराहु या उपरे कोनोसी राजनीति न हो एवं मध्य अनुरोध करथिले जे एई जो राजनैतिक दल माने अछंती से माने तांकर घर को न आसंतु आमे माने जानिचु ओडिसार परंपरा रे ओडिया परिवार रो परंपरा रे कि जेतेबेले जणे आम मध्यरु चली जाए सेतेबेले से परिवार पाई समवेदना रहिबा दरकार से परिवार को किछि दिन पाई छाड़ी दिया जाए कि तांकर दुख तांकर कष्ट से माने परस्पर भितर बांटिक कमेबे किंतु दुखर कथा कौन देखिलु कि एई पीड़िताकर बापाक अनुरोध सत्वे जो प्रकार भावरे राजनैतिक दल माने एई अति स्पर्शकातर अति विभत्स प्रसंग उपरे विभत्स जो क्राइम हेछि ता विरुद्ध जो प्रकार भावरे सेने सस्ता राजनीति कले ता अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं निंदनीय आज गोटाए जिनस एई ओडिशा कांग्रेस रो हड़ताल रु स्पष्ट होइछि जे ओडिशा कांग्रेस रे जो हड़ताल रहिछि एथिरे ओडिशा कांग्रेस रो जो माने कर्मकर्ता एवं कर्मी से माने मध्य घरु बाहरी नांती सेतर गोटाए जिनस स्पष्ट कि ओडिशा कांग्रेस रो कर्मी माने मध्य ताकर नेता माने मध्य एई ओडिशा कांग्रेस रो एत स्पर्शकातर विषय रे सस्ता राजनीति को घृणा करचंती एवं या सहित नांती या परे मध्य जदि ओडिशा कांग्रेस शिक्षा लाभ करू नाही एवं ए प्रकार रो अति स्पर्शकातर विषय को नेइकिरी अति निम्नमानर राजनीति करुची ताले विगत दिन रे जो प्रकार भावरे सेने अप्रासंगिक ही सारी चंती ओडिशा रे आगु को मध्य ओडिशा रो जनसाधारण समानक स्थिति को संपूर्ण भावरे शेष कर देबे ओडिशा रो जनसाधारण ओडिशा वासी आज ओडिशा कांग्रेस रो एई भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओडिशा रो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ओडिशा कांग्रेस रे हड़ताल को संपूर्ण भाव में प्रत्याख्यान कर विश्व बलय रे राजधानी दिल्ली गोटेपटे विषाक्त वायु अन्यपटे जमुना रे विषाक्त पानी जीवन बचा एक प्रकार कष्टदायक हो जाए नवेम्बर मस प्रथम प्रतिदिन वायुर मान कमिपे लगी दीपावली पर स्थित सुधरबार ना ना राजरास्त गढ़ुवा हजार हजार गाड़ी मोटर स्थित को आहरी बिगाड़ी देखते निश्वास प्रश्वास समस्या भोगुवा रोगी और टीब्रे पीड़ित व्यक्ति को यह अधिक कष्ट अधिक आलोचना करने सीधासख नी प्रतिनिधि गगन विश्वलाभ सहित जोड़ गगन जमी विशेषकर आम दिल्ली कथा जानते पूर्व जो दीपावली परवर्त समय आमे देखती विशेषकर प्रदूषणमय हुए धूआ बलय मधे रुहे कि यार कौन समाधान ना एवं कौन प्रशासन बाबद पदक्षेप नौती रोक पार हाँ देखो निवेदिता दिल्ली रो परिस्थिति अत्यंत भयंकर परिस्थिति अच्छी दीदी दे एयर क्वालिटी इंडेक्स कथा कहे आज तीन सौ अधिक रही ओवरऑल जब देखिए चार सौ साढ़े चार सौ एयर क्वालिटी इंडेक्स रोचे बर्तमान देखिए अपराह देढ़टा बाजाक गला बर्तमान पर्यटन शहे दुई सौ मीटर पर कौन चित्र रही स्पष्ट भाव देखा जाऊना मुझ बर्तमान पार्लियामेंट सामने अच्छी और रायसीना हिल आप देखिपे कैमेरा स्क्रीन में बर्तमान रायसीना हिल जोटी की प्रेसीडेंट भवन रही चारोटी बड़ बड़ मंत्रालय रही स्पष्ट भाव दृश्य मान मात्र 100 मीटर डिस्टेंस परे लोक मान जो मान रोचंती साधारण लोक जो मान रोचंती सेमानक पई गोटे प्रकार बाध्यतामूलक हेछि कोविड दिल्ली रे कमी जाइथिले सुधा मास्क पिंधिया पई जो माने विजिटर्स मध्ये आसुचंती सेमाने मध्ये मुहरे मास्क लवा पई बाध्य होचंती काईना बड़ इंपैक्ट करिवो जदी ये खराब वायु सेमानक भितर को जाउची एवं जो माने टीबी रे आक्रांत अछंती जो मानको थंडा श्वास रोग जनित रोग रहिछि सेमानक लंबा लाइन मध्ये देखिवो मिलछि दिल्ली रो विभिन्न हॉस्पिटल रे जो कथा गत काली मध्ये किछि प्रतिक्रिया रखिथिले डॉक्टर
ଡକ୍ଟର ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, ଅତିକ ଅତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ଖାସ କରି ଆଖୁ ଗହମ ଧାନ, ତାର ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଧୂଆଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ରହିଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦିବାଲରେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ଇଏ ତିନି ଚାରୋଟିକୁ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ କାରଣକୁ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ପରାଲି ଏବେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ଅଂଶ ତାକୁ ପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବେ ଏନକ୍ରୁଜମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଖାସ କରି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ। ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆରାବଳି ପର୍ବତ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ବର୍ଡର ସୀମାରେ, ସେ ଆରାବଳି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ନିବେଦିତା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲୋ ହେଉନାହିଁ, ମାନେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ତା ବାନ୍ଧିକି ହେଇ ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପବନର ଫ୍ଲୋ ଆସିବ ତାପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗତବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନାରେ ଟକ୍ସିକ୍ ଫର୍ମ ଆସିଥିଲା, ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ସିକ୍ ଫର୍ମ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମେୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିହାତି ଗଗନ, ଜଳ ବିଷାକ୍ତ, ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ, ଇଏ ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଯେ କେମିତି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ, ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱ ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଝର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାପ ଧରାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା, କଲେଜ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ନେଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳ, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଆକାଶରଥ। ଆଜି ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥାକଥିତ ସାପ ଖେଳାଳି ଆକାଶରଥ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ତକ୍ଷଶିଳା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଆକାଶରଥକୁ ଦେଓଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଶରଥ ସାଙ୍ଗରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଧରି କଲେଜ ପରିସରରେ ସାପ ଧରିବା କୌଶଳ ଶିଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଘରକୁ କାଠ ଆଣୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ବେପାରୀ ଯିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ତୁମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ବନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଜଣେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀର ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେ କାମ ଜଣେ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି, ଯାହା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସେ ରଥ ଯିଏ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ତକ୍ଷଶିଳା କାହାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପ ରଖିବା ଆଉ ସାପର ବିଷ ଖୋଲିଦେବା ଏହା ହେଉଛି ବେନିୟମ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଯେତେବେଳେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯଦି କିଏ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଏଠାରେ କଲେଜ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆକାଶ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ କେମିତି କଲେଜକୁ ସାପ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିଲା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମାଜସେବୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯଦି କୋଉଠି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଧରିଦେଲା କିମ୍ବା କାଠ ଆଣିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଖୋଦ୍ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ଯୋଉ ଆକାଶ ରଥ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ କଲେଜରୁ ସାପ ବାହାରି ନଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଆଣିଥିଲେ ଯାହାର ବିଷ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ବନ ବିଭାଗର ଡିଓପିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ପିଏଫଓ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଚୁପ୍ ଅଛି ବନ ବିଭାଗ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରଥ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଶରଥଙ୍କ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନେଇ ସାପକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଶେଷରେ ଦେଉଗାଁ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଦେଖିବା ସାପ ରଖିବା ସାପରୁ ବିଷ ଉଗାଳିବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡିଏଫଓ ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାପ ରଖିବା ସାପ ଦେହରୁ ବିଷ କାଢିବା ଏ ସବୁ ବେଆଇନ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କଲେଜ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକାଶ ରଥ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେ କେମିତି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ସ୍ୱରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।